हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू एमजेड लर्निंग। फ्रेंड्स, आज की ये मुख्तसर वीडियो हमारे एक दोस्त कुली की रिक्वेस्ट पे मबनी है, जिसने हमसे ये सवाल किया है कि हम macOS 12 में क्विक नोट को कैसे टर्न ऑफ कर सकते हैं। आई डोंट नो कि कुली भाई macOS 12 के इस ग्रेट फीचर को क्यों टर्न ऑफ करना चाहते हैं। मे बी वो क्विक नोट के इस शॉर्टकट से परेशान हों, जो कि आपके माउस कर्सर के बॉटम राइट कॉर्नर आने पे ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। अगर ऐसा है तो डोंट वरी, आप क्विक नोट के इस शॉर्टकट को टेम्परेरी या परमानेंटली टर्न ऑफ कर सकते हैं। इनफैक्ट इसके बारे में हमने आपको अपनी पहली वीडियो हाउ टू यूज क्विक नोट इन macOS 12 में तफसील के साथ बताया था। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एनीवे, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो macOS 12 में क्विक नोट के शॉर्टकट को टर्न ऑफ करने के लिए आप अपने सिस्टम प्रेफरेंसेस में जाएं और मिशन कंट्रोल पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आपने इस नीचे बने हुए हॉट कॉर्नर्स के बटन पे क्लिक करना है। macOS 12 में बाय डिफॉल्ट क्विक नोट का शॉर्टकट आपके बॉटम राइट कॉर्नर पे होता है। आप इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करके उसे यहाँ से टर्न ऑफ कर सकते हैं, या फिर अपनी नीड के मुताबिक उसे अपने मैक के किसी और कॉर्नर पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। बहरहाल, हमने क्विक नोट का शॉर्टकट अपने हॉट कॉर्नर से रिमूव कर दिया है और अब क्विक नोट का शॉर्टकट हमारे माउस कर्सर के बॉटम राइट कॉर्नर आने पे हमें तंग नहीं करेगा। हाँ, अलबत्ता किसी भी वक्त क्विक नोट की जरूरत पड़ने पे आप इसको अपने कीबोर्ड शॉर्टकट फंक्शन प्लस क्यू से एक्टिवेट कर सकते हैं। आई विश के एप्पल अपने नेक्स्ट अपडेट में क्विक नोट के प्रेफरेंसेज में कोई ऐसा ऑप्शन दे दें जिसकी मदद से हम क्विक नोट को कम्प्लीटली अपने मैक में टर्न ऑफ या टर्न ऑन कर सकें। तो कुली भाई, होप यू गेट द आइडिया। अगर कुली की तरह आपका भी macOS के बारे में कोई सवाल हो तो प्लीज़ उसे नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड कंसीडर टू सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं आपसे मिलूंगा बहुत जल्द macOS की एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुश रहिए और MZ लर्निंग देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।